किस्मत वालों के शरीर में होते हैं इस जगह दिल। जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्योतिष के आधार पर आज हम आपको शरीर के कुछ ऐसे पॉइंट्स बता रहे हैं जहां तिल होना बहुत अच्छा और शुभ होता है। मानव शरीर में प्राकृतिक तौर पर कई जगह तिल होते हैं। कई लोगों के शरीर के ये तिल बहुत अच्छे लगते हैं, तो कई लोगों को इन तिलों से नफरत होती है। असल में ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि तिल किस जगह पर है। ज्योतिष के आधार पर आज हम आपको शरीर के कुछ ऐसे पॉइंट्स बता रहे हैं वहाँ तिल होना बहुत अच्छा और शुभ होता है। हथेली पर तिल। हथेली पर तिल का होना बहुत शुभ और अच्छा होता है। ज्योतिष के आधार पर ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों की हथेली में तिल होता है, खास करके जिनके तिल बंद मुट्ठी के अंदर आता है, वह लोग बहुत लकी होते हैं। ऐसे लोगों का जीवन तो कुशल मंगल होता ही है, साथ ही ऐसे लोग बहुत धनवान भी होते हैं। शादी के बाद ऐसे लोगों को ससुराल में बहुत सम्मान मिलता है। नाक पर तिल। हालांकि ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों के नाक में तिल होता है, वे लोग थोड़े नखरेले स्वभाव के होते हैं, लेकिन इसके साथ ही ये भी सच है कि जिन लोगों के नाक में तिल होता है, वे लोग दिल के बहुत अच्छे और सच्चे होते हैं। साथ ही ऐसे लोगों को अपने करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती है, भले ही यह थोड़ी देर से मिले, लेकिन कुछ वक्त बाद ऐसे लोग अपने करियर में एक अच्छा मुकाम हासिल कर लेते हैं। ठोड़ी पर तिल। ठोड़ी पर तिल होना सीधे तौर पर शुभ का संकेत है। ऐसे लोगों के हर वक्त बिगड़े काम बनते हैं। जिन लोगों के ठोड़ी के बीचों बीच तिल होता है, ऐसे लोगों को अपने पार्टनर से बहुत अच्छी बनती है। साथ ही ऐसे लोग फाइनेंशियल भी बहुत अच्छे रहते हैं। पीठ पर तिल। जिस व्यक्ति की पीठ पर तिल हो, वह स्वभाव से काफी रोमांटिक होता है और घूमने फिरने का शौक भी रखता है। ऐसे लोग बहुत खुश मिजाज होते हैं। पीठ में तिल वाले लोगों को उनके बच्चे बहुत प्यार करते हैं। आज समय में यह सबसे बड़ा सुख है।